मतलब अभी तो थोड़ा मैं डिप्रेशन में रहती हूँ खुद क्यों रहती हूँ मुझे नहीं पता वो एक साल पहले मेरे अकाउंट में ग्लिच आया था उसके बाद में सदमे में चली गई ग्लिच ग्लिच मतलब मेरे फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ते थे सात लाख होने के बाद अटक गया अब फेक फॉलोअर्स तो डलवाने की आदत है नहीं हमें <laughs> तो अब सच्चाई से चलना है तो फिर तो आपको इंतजार करना पड़ेगा फिर मैंने वेट किया वीडियोस डाली फिर ना मैं एक ना इंसान का वो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है फिर मन नहीं करता काम करने का तो अभी मेरे साथ वही हो रहा है लोगों को लगता है आलसी है बट ये नहीं देख रहे उसकी मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है तो आप किस टाइप कंटेंट हो पहले मैं कॉमेडी बनाती थी बट अब मैं थोड़ा सा ब्यूटी के उस पर चली लगना चाहिए लड़की सुंदर भी है किस पे ब्यूटी मतलब की ट्रांजेक्शन भी करने लगी अब पहले तो कॉमेडी था पहले, पहले लड़के फॉलो करते थे अब लड़कियाँ फॉलो करती हूँ लड़कियाँ शुरू से मुझे ऐसे रियल लाइफ में मुझे लड़कियों से नफरत मिली है अब बहुत प्यार मिला है मेरे तो दोस्त थी भैया जितने

फिर आप बोल जाते हो सारे गए सारी चीजें लाइक लाइक मेरे मेरे लिए लिए मेरी जो फॉलोअर्स हैं ना सब कुछ है वो वो मुझे इतना सपोर्ट करते बिना किसी मतलब के कोई इनका मतलब नहीं है मेरे सुंदरता चलो आ, वो तो ठीक है आ, आप मुझे ये बताओ आपको फिल्मी दुनिया में जाना जाना है अगर आपको मौका मिले फिल्म करने का तो किस एक्टर के साथ आप फिल्म करना चाहोगे सबसे पहले आदित्य रॉय कपूर सेक्सी लगता है सेक्सी नहीं लगता उसकी एक्टिंग अच्छी लगती है एक्टिंग अच्छी लगती है सेक्सी तो वो एक ही लगेगा ना <laughs> पति देव <laughs> <laughs> मेरा प्रियतम पता नहीं कहाँ कर रहा होगा चूने लगा रहा होगा और रहा अगर आपको बोला जाए कि आपको कोई बेस्ट कैरेक्टर करना है तो किस टाइप का कैरेक्टर करना पसंद करोगे एक शो इश्कबाज हाँ, तो तो स तो को के लिए या फिर कोई भी छोटा सा टेन सेकेंड का हमारे, ले ले ले, हमारे फैंस के लिए थोड़ा सा दो तब तक तो कुछ टाइम लाइक तब तक हम लोग बाकी चीजों पर डिस्कशन करते हैं तो जब लाइक आप Grow कर रहे थे, पे आपके followers बढ़ रहे थे पे पे आपके बढ़ बहुत सारा मिल रहा था तो कभी ऐसा कि आप कहीं बाहर घूम हो किसी में और किसी किसी ने ने या किसी फैन ने आपको देख लिया हो बहुत लोग थे। और मेरे, मेरे साथ ये मेरी मेरे वीडियोस में मैंने बताया गाली गलौच नहीं होती कुछ गलत नहीं है नहीं। तो मेरे को सभी लोग फॉलो करते हैं चाहे वो एंटीज हो भैया हो स्वार्थ स्वार्थ लड़के लड़के है सब। अच्छा, अंटी नहीं डालती तो फिर मैंने डाली एक दो तो कुछ लोगों की स्टोरीज लगी व्यूज के लिए भगवान जी की तो मैं उनको एक जवाब देना चाहती हूँ की मुझे बताओ भगवान की से मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है व्यूज के लिए ठीक है टचवुड मेरे पास टैलेंट है तो मुझे उस तरीके से व्यूज आ जाते हैं ये सवाल बहुत ज़्यादा उठा है कि लोग व्यूज लाइक्स के लिए रील्स बनाते हैं देखो जो कंटेंट के लिए जाते हैं वो चीज़ गलत है हम लोग क्या है इन्फ्लुएंसर्स हमारा काम है सबको इन्फ्लुएंस करना तो हम अगर वो लोग लोग चाहते हैं कि वो हमारी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट हो तो अगर हम मंदिर जा रहे हैं और अगर मैंने दिखा दिया अगर कुछ लोग तो वहां जाके ब्लॉगिंग भी करते हैं मैंने तो सिर्फ एक मैंने आज तक सिर्फ दो ही वीडियो बनाई है हाँ। एक तो कल बनाई थी शायद सावन का पहला वो था वो भी अपनी मौसी के कहने पे क्योंकि वो कहती है कुछ बनाती ही नहीं है लोगों को लगता है वो व्यूज लाइक के लिए है 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 मुझे मुझे देखो भगवान जी का आशीर्वाद मैंने आपको बताया जरूरत नहीं ठीक तो वो मैंने सिर्फ उनके लिए बनाया था और हमारा देखो काम है अगर मैंने एक वीडियो बनाई मेरी वजह से मेरी वो वीडियो दस मिलियन गई जो मैंने खाटो श्याम की वीडियो बनाई थी और वो भी मैंने पूजा करते वक्त नहीं बनाई पूजा से आने के बाद मैंने बनाई क्योंकि मैंने सिर्फ लोगों को दिखाया कि मैं खाटू श्याम गई हूँ मेरे से इंस्पायर होके बहुत सारे लोग वहां गए स्टोरीज भी आई है मेरे को इतने सारे टैग्स आए हैं आपको देखने के बाद गए हाँ कि यार आरोही गई है और वो जो पंडित जी था ना जिन्होंने मेरे टीका लगाया था वो दस मिलियन गए तो लोग वहां जाके भी बोल रहे थे अरे भाई आप वही हो ना जिन्होंने आरोही से टीका लगवाया तो मेरी वजह से अगर जा रहे ना तो वो वीडियो सफल है मेरे लिए कि यार मेरी और देखो लोगों को ना हर चीज़ से दिक्कत होती है कोई लड़की छोटे कपड़े पहन के वीडियो बना रही उसमें दिक्कत कोई भगवान की वीडियो बना रहा है तो दिक्कत किस बात की दिक्कत है वो कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा है अगर भगवान की वीडियो डाल ही रहा है हमारा कल्चर ही तो प्रमोट हो रहा है तो उसमें क्या गलत है मेरे को तो नहीं लगता लेकिन हाँ जो कॉन्टेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं जिनका पूरा कॉन्टेंट ही भगवान जी की वीडियो फिर वो उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती बट मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया मेरा बस इतना है कि मैं भक्ति को भी प्रमोट करूँ मैं हर चीज़ बनाती हूँ